हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSP इंफोटेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव का, जमानत धनराशि का सही तरीका जमा करने का। तो हम बात करते हैं पहले नंबर शासन का आदेश। आप देख सकते हैं ये पत्र जारी किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि बिना लाइन लगाए आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके आप अपना जमानत राशि जमा कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे आपको बताएंगे कि जमानत राशि जमा करने का सही तरीका और नियम क्या है। दूसरी चीज़, आपको कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये होती है कि आप प्रधानी के लिए कितना पैसा जमा करना है, आपको BDC के लिए कितना पैसा जमा करना है, आपको जिला पंचायत के लिए कितना पैसा जमा करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है लिस्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे जैसे कुछ समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पद का नाम प्रधान ग्राम पंचायत है, तो इसमें अनुसूचित जात के लिए 1,000 रुपये, ये आप 150 रुपये छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये लोग ब्लॉक पे पहले से 150 रुपया या जो भी जमा कर दिए हैं, ये नाम निर्देश पत्र का है, इसको इसको नहीं जमा करना है। आपको जमानत राशि ही केवल जमा करना है। अनुसूचित के लिए 1,000 है, अनुसूचित जात पुरुष के लिए 1,000 है। इस तरह से ये जो तीसरी लाइन के कॉलम है, इसी का जो है आपको पेमेंट करना है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, अब सदर क्षेत्र पंचायत के लिए 1,000 है और आपका जिला पंचायत के लिए, इसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके वेबसाइट पे कि आपको जो दोस्तों, पहले आपको अपना क्रोम खोल लेना है। गूगल गूगल पे आपको लिखना है यूपी राजकोष। यूपी राजकोष टाइप करके आपका आपको जो पहला लिंक दिखता है उसी पे क्लिक कर देना है। अब मैं स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा। जो आपका पहला लिंक है उस पर कर देना है क्लिक, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद में अब आपको डिवीजन चूज करना है। बहुत सारे डिवीजन आपको दिखना दिख रहे हैं, लेकिन आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करिएगा। P 2 बार दबा दीजिएगा तो PCB 84 43 सिविल जमा, ये हमारा आ गया। इसी में दोस्तों जमा करना है पैसा। अब 2021-2022 डिपॉजिट पीरियड ये जैसा है वैसे रहने दीजिएगा। अब यहाँ से लिखा है सेलेक्ट डिवीजन। सेलेक्ट डिवीजन में आपका जो भी मंडल आता है मंडल चूज कर लीजिएगा। मंडल चूज करने के बाद में यहाँ आपका आएगा सेलेक्ट टेरिटरी, तो यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिएगा। जैसे मेरा सिद्धार्थनगर है तो मैंने सिद्धार्थनगर चूज कर दिया। अब आपको यहाँ करना है दो चीज़ लिख दीजिएगा, सिंपल सा, किस पद के लिए जमा कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा पद का नाम और नीचे जो है उनका नाम लिख दीजिए जो पैसा जमा कर रहा है, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। नाम लिखने के बाद में आपको इस लाइन में आ जाना है। इस लाइन में जो आपका है डिपोजिटर नेम, यहाँ पे क्या करना है, सेम आधार का नाम डालना है। जैसे इंग्लिश में आधार पे है वही स्पेलिंग आपको डालनी है, ठीक है ना। कुछ भी गलत नहीं करना है वरना आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो मैं जो आधार पे है मैं वही लिखूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ब्लॉक के यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे ग्राम धोनी, ये धोनी की है तो धोनी लिख दिया हमने। और पोस्ट हड़कोली, आप पोस्ट लिख दीजिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम या ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा, जोगिया, पिन कोड लिख दीजिए। यहाँ पे जो है पिन कोड लिख दीजिए। ये आपने देख लिया कि इस तरह से, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे आधार का नाम है वैसे डालना है। अब बात आती है कि इनको कितना पैसा जमा करना है, क्योंकि ये समान वर्ग की हैं और ये क्षेत्र पंचायत लड़ रही हैं और महिला भी हैं, तो इनको जो है 1,000 मात्र जमा करना है। 1,000 जमा करने के बाद में दोस्तों आपको टोटल ऑफ हेल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ 1,000 बन के आ जाएगा, और 1,000 बनने के बाद में यहाँ पे कैप्चा आपको डाल देना है। और कर देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं किस इस तरह से इंटरफेस को लेकर। सबसे पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है या कहीं लिख के रख लेना है, क्योंकि ये आपका चालान नंबर है।
उसके बाद में हम जाएंगे प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे। जैसे प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे क्लिक करते हैं, आपका पेमेंट मोड आ जाता है, आपके पास जो भी सुविधा है वहां से आप डेबिट अपने अकाउंट से चालान कटवा सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यूपीआई से करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ मैं अपना यूपीआई आईडी डालूंगा और यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, पंचायत चुनाव जो भी है। यहाँ से आप कंफर्म कर दीजिए, कंफर्म कंफर्म करने के बाद में फिर दोबारा आपसे पूछेगा कंफर्म, आप कंफर्म कर दीजिए। और ये अब आपके जो जो भी आप कैसे भी किसी भी मोड से पैसा कटवा रहे हैं, तो अभी मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। एक बात ध्यान रखिए दोस्त, आपका चालान नंबर जो है नोट करना जरूरी है। इसमें आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा, कहीं भी स्किप नहीं करनी है। पेमेंट हमने कर दिया, बट क्या है भाई, गवर्नमेंट की साइड है तो थोड़ा स्लो चलती है। पेमेंट हमारा हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं थोड़ा समय लगा। ये चीज़ आप लोग नोट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इसी से आपको रिसिप्ट मिलने वाली है। ये हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है, या आपको 30 सेकंड वेट करना है तो क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा आ गया कंप्लीट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, क्लिक टू गेट चलान। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमें जो है नॉलेजमेंट नंबर मिल चुका है और हमारा पैसा जमा हो चुका है, और मैं इसको कर ले रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद में इसको सेव करना है और प्रिंट आउट करके दे देना है।